हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास है बहुत ही दोनों ब्यूटीफुल बाइक। वन साइड है 2024 ड्यूक 390 एंड दूसरी तरह है BMW G310R। गाइस, दोनों ही जो बाइक है 300cc कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो गाइस, आज हम देखेंगे दोनों बाइक के अंदर कौन सा बाइक का फीचर ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा है, टॉप स्पीड ज़्यादा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो सब कुछ डिटेलिंग के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। गाइज, अगर हम दोनों बाइक का लुक्स को देखें तो दोनों ही जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मस्कुलर लग रहा है। दोनों बाइक के अंदर ही आपको फ्रंट में LED DRL मिल जाएगा। दोनों का ही जो हेडलाइट है फुल्ली LED सेटअप मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपनी ने दोनों बाइक के अंदर ही आपको LED ब्लिंकर प्रोवाइड किया है। अगर हम रियर टेल लाइट को देखें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको LED टेल लाइट मिल जाएगा। सो गाइस, लुक्स अपना अपना ओपिनियन होता है, आप नीचे कमेंट करके बोलना कौन सा बाइक का लुक्स आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट गाइस, अगर हम दोनों बाइक का सस्पेंशन को देखें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको फ्रंट में 43mm का USD फोक्स मिल जाएगा। बट यहाँ पर ड्यूक का जो सस्पेंशन है दैट इज टू स्टेप एडजस्टेबल। अगर हम रियर सस्पेंशन को देखें तो दोनों बाइक के अंदर ही आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा। गाइस, दोनों बाइक के अंदर ही आपको मिशेलिन का टायर मिल जाएगा। अगर हम फ्रंट टायर को देखें तो 110x70 सेक्शन का टायर दोनों बाइक के अंदर ही आपको मिल जाएगा एंड रियर में दोनों बाइक के अंदर ही आपको 150x60 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। दोनों ही जो गाड़ी है डुअल चैनल ABS के साथ आ रहा है एज ए स्टैंडर्ड। बट गाइस, ड्यूक 390 के अंदर आपको सुपर मोटो ABS भी मिल जाएगा। फ्रंट डिस्ब्रेक को देखें तो BMW के अंदर आपको 300mm का डिस्ब्रेक मिल जाएगा विद वाइब्री कैलिपर। वही दूसरी तरह ड्यूक 390 के अंदर आपको 320mm का डिस्ब्रेक मिल जाएगा विद वाइब्री कैलिपर एंड रियर में दोनों बाइक के अंदर ही आपको 240mm का डिस्ब्रेक मिल जाएगा। जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है एनी डे ड्यूक का बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज आप लोग जानते हो गाइस KTM इसके सेगमेंट में सबसे बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है। गाइज, यहाँ पर अगर हम दोनों बाइक का फ्यूल टैंक को देखें तो BMW के अंदर आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाएगा। वही दूसरी तरह ड्यूक 390 के अंदर आपको 15 लीटर का टैंक मिल जाएगा। इस सेगमेंट में सबसे लार्जेस्ट टैंक ड्यूक 390 ऑफर कर रहा है। गाइज, अगर हम दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो BMW के अंदर आपको नॉर्मल LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। वही दूसरी तरह ड्यूक के अंदर आपको 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम फीचर को देखें तो BMW के अंदर आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर, सो जो जो चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ गाइस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। वही गाइस, दूसरी तरह अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। गाइस, पहली बात तो इसका जो डिस्प्ले है दिन एंड रात के हिसाब से इसका जो कलर है चेंज होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको ऑडोमीटर, ट्रिम मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर, SMS अलर्ट, कॉल, मैसेज, टर्न बाई टर्न नेविगेशन। साथ ही साथ गाइस, इसके अंदर आपको तीनों राइडिंग मोड भी मिल जाएगा। सो देखा जाए तो गाइस, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू BMW G310R। साथ गाइस, अगर आप इस बाइक का फीचर को देखें तो इस बाइक के अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिल जाएगा, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको सुपर मोटो ABS भी मिल जाएगा। सो गाइस, अगर हम फीचर वाइज देखें तो ड्यूक 390 बहुत ही ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू G310R। गाइस, फाइनल जो चीज़ पता है दैट इज इंजन। अगर हम G310R को देखें तो 313cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन इसके अंदर मिल जाएगा। पुट आउट मैक्सिमम पावर ऑफ 34 BHP 9200 RPM। अगर हम टॉर्क फिगर को देखें तो 28 Nm टॉर्क एट 8500 RPM। साथ ही साथ गाइस, इस बाइक का जो टॉप स्पीड है अप्रॉक्स 160 km/h। वही दूसरी तरह गाइस, अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसके अंदर आपको 399cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है दैट इज 46 BHP 8500 RPM। अगर हम टॉर्क फिगर को देखें तो 39 Nm टॉर्क एट 6500 RPM। साथ ही साथ गाइस, इस बाइक का जो टॉप स्पीड मिलेगा अप्रॉक्स 175 km/h। गाइज, अगर हम दोनों बाइक का इंजन को कंपेयर करें तो एज कम्पेयर टू BMW G310R ड्यूक का जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गाइज, अगर हम G310R का ऑन रोड प्राइस को देखें तो अप्रॉक्स 3.3 से लेकर 3.4 लाख के अंदर ये जो बाइक है आपको मिल जाएगा। वही दूसरी तरह अगर हम ड्यूक 390 को देखें तो इसका जो प्राइस होने वाला है गाइज अप्रॉक्स 3.9 से लेकर 4 लाख के करीब इसका प्राइस होने वाला है। दोनों बाइक का फीचर से लेकर पावर से लेकर इसका प्राइस को कंपेयर करें तो दोनों ही जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस, आपको कौन सा बाइक अच्छा लगा एंड कौन सा बाइक आप ले रहे हो डेफिनेटली कमेंट करके बोलना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय, लव यू।